बड़ी मुश्किल से बची गाड़ी नीचे जाने वाली थी भाई। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे से होंगे, खैरियत से होंगे और मजे में होंगे। तो गाइस, मैंने सोचा था कि व्लॉग बंद कर दूं, लेकिन मैंने ये सोचा फिर कि हफ्ते में एक दिन व्लॉग डालूंगा या 3-4 दिन में एक व्लॉग। तो आज मैं व्लॉग शूट कर रहा हूँ क्योंकि आज मैं जा रहा हूँ पुंछ। तो 3-4 दिन से मैंने कोई व्लॉग शूट नहीं किया था, तो फाइनली मैं आज कर रहा हूँ। तो अभी रेडी होना है क्योंकि जाना है मैंने पुंछ कुछ काम से। तो देखता हूँ यासर अगर जाता है ठीक तो नहीं, मैं अकेले जाऊँगा फिर। तो बने रहिए वीडियो में। A few moments later. So finally guys, मैं रेडी हो चुका हूँ नहा धोकर। तो अभी टाइम हो चुका है, सुबह के बज चुके हैं 9। जल्दी से निकलना है क्योंकि वहाँ पहुँचना थोड़ा काम भी करना है। तो अभी निकलता हूँ यहाँ से, तो बने रहिए वीडियो में। मैं निकलता हूँ यहाँ से, तो वहाँ अब बाहर तो बहुत ज़्यादा धूप है, बताता हूँ आपको। Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. तो गाइस अभी हम जा रहे हैं, रास्ते से जा रहे हैं, आधे रास्ते तक पहुंच चुके हैं। ये देख सकते हैं बहुत ही बेहतरीन नज़ारा है ये, और मौसम भी अभी गर्म हो चुका है, बहुत जगह पे आग लगी है। तो अभी हम जा रहे हैं सलानी है, ये शायद जगह का नाम सलानी है। तो मिलता हूँ आगे जाकर। सो फाइनली गाइज, हम पहुंच चुके हैं पुंछ ब्रिज पे। तो देख सकते हैं ये पुंछ का ब्रिज, तो बहुत ही अच्छा व्यू है यहाँ से। तो मिलता हूँ मैं आगे जाकर आपको। तो यहाँ पे 2 मिनट गाड़ी रुकी थी, तो देख सकते हैं यहाँ पे बत्तख हैं बहुत ही प्यारी प्यारी, यहाँ शायद सेल के लिए रखी हैं, बेचते हैं यहाँ पे, तो जिसने लेनी हो यहाँ से ले सकते हैं। तो फाइनली गाइस, मैं आ चुका हूँ पुंछ। ये है मेरे पीछे पार्क और टाइम हो गया 11:30। देख सकते हैं ये कृष्ण चंद्र पार्क है पुंछ की, बहुत ही यहाँ पे एक ही पार्क है अभी, यहाँ का व्यू है देख सकते हैं। तो अभी जाना है मुझे यहाँ से हॉस्पिटल वाली साइड, वहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं वो लेने, चलो चलते हैं। तो ये है यहाँ के विजुअल्स, देख सकते हैं बहुत ही अच्छा व्यू आ रहा है, और लोग यहाँ पे मतलब बैठे हैं पेड़ के नीचे साए में, बहुत मज़ेदार नज़ारा है यहाँ पे। फाइनली गाइस, मैं आ चुका हूँ हॉस्पिटल वाली साइड, टाइम हो चुका है 12:10। अभी एक बंदे का वेट कर रहा हूँ, वो आए उसके बाद चलते हैं यहाँ से, जो काम करवाना है वो करवाएंगे, उसके बाद मिलता हूँ आपको। यहाँ के व्यूज दिखाता हूँ बैक में, देख सकते हैं। तो गाइस ये व्यू है यहाँ पे, जो किला है उसके ऊपर से मैं लेयर शूट कर रहा हूँ, जहाँ पे तहसीलदार का ऑफिस है वहाँ से शूट। कुछ ऐसा व्यू है, देख सकते हैं बहुत पुराना किला है, आपको अंदर के व्यूज़ भी दिखाऊंगा मैं अभी थोड़ी देर में। तो ये नज़ारा देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा नज़ारा है यहाँ से। तो ये है अंदर के व्यूज़, देख सकते हैं मतलब अंदर कुछ बना हुआ, चैम्बर वगैरह बने हुए हैं, लाइट नहीं है, अंधेरा ही अंधेरा है, लेकिन मैं दिखा रहा हूँ आपको, देख सकते हैं कुछ ऐसा व्यू है अंदर का, थोड़ा सा दिखाता हूँ आपको, उसके बाद चलता हूँ। A few moments later. तो finally guys, टाइम हो चुका है, 3 बज चुके हैं, अभी तक लंच नहीं किया, काम अभी हुआ, तो अभी करते हैं लंच, उसके बाद मिलते हैं आपसे, तब तक बाय। तो लगी थी मुझे भूख, तो ज़्यादा दूर जाने नहीं हुआ, या बस स्टैंड के पास ही है, ये छोटा सा होटल है मतलब रेस्टोरेंट टाइप का। तो यहाँ पे देखते हैं कैसा खाना बनाते हैं, मतलब ये बना रहे हैं कुछ, तो देखते हैं टेस्ट करके कैसा टेस्ट है। तो फाइनली आ चुका है हमारा खाना, ये है रोटियां, नान वगैरह बोलते हैं इसको, तो उसके साथ है ये चिकन फ्राई करके, पता नहीं कैसे बनाते हैं ये, तो चलो टेस्ट करते हैं। तो फाइनली गाइस, मैं घर के लिए निकल चुका हूँ, काम तो हो गया है मेरा, तो अभी निकलता हूँ यहाँ से घर के लिए। तो गाड़ी मैंने ले लिया, तो अभी जल्दी से घर पहुँच जाएँ। तो रास्ते में बहुत आग लगी हुई है मैंने सुना है, तो देखते हैं उन वहाँ के विजुअल से दिखाऊँगा आपको।
तो अभी ब्रिज पे पहुंचने वाला हूँ। देख सकते हैं ये व्यूज़ माउंटेन्स, और कितना बेहतरीन व्यू, इवनिंग व्यू। तो बहुत ही अच्छा मौसम है, अच्छी ठंडी हवा चल रही है अभी। तो आगे आग भी लगी है, हर जगह आग लगी है आजकल, पता नहीं क्यों लगाते हैं आग लोग जंगल में। तो हम पहुंचने वाले हैं जहाँ पे आग लगी है, देख सकते हैं इतनी ज़्यादा आग भड़की हुई है। तो लगाता कौन है, मतलब इतना गुनाह होता है उसको, मतलब सब कीड़े वगैरह सांप कितनी चीज़ें होती है जंगल में, सब कुछ ख़त्म हो गया। देख सकते हैं कुछ भी नहीं बचा, घास तो दिख नहीं रहा कहीं पर। बहुत बुरा करता है जो आग लगाता है जंगल में। तो देख सकते हैं बाल बाल बचे आज। गाड़ी नीचे खाई में जाने वाली थी, एकदम से दूसरी साइड से गाड़ी आ गई, बड़ी मुश्किल से कंट्रोल किया, नीचे जाने वाली थी, थोड़ी सी लग गई है गाड़ी, देख सकते हैं बहुत मुश्किल से कंट्रोल किया ड्राइवर साहब ने। तो यहाँ से गाड़ी नीचे जाती तो आज तो कोई नहीं बचने वाला था। चलो शुक्र है अल्लाह का, बच के कंट्रोल हो गया गाड़ी का। तो चलो चलते हैं। फाइनली गाइस मैं पहुंच चुका मेंढर। तो काफ़ी समर डाउन टाउन के, तो अभी 6:30 हो गए, अभी चलता हूँ घर। तो सामान लिया यहाँ से, चलता हूँ घर। मैं पहुंच चुका हूँ ड्रोना चौक में, अभी गाड़ी में बैठा हूँ। अभी कोई भी देख सकते हैं पीछे गाड़ी पूरी खाली है। मुंतहा बोल रही है मेरा बर्थडे, लेकिन उसका बर्थडे नहीं है, वो ऐसे बोल रही है। तो बोल रही थी मेरे केक लेना ना, चॉकलेट लिया, केक तो मिला नहीं। तो अभी टाइम हो गया है 7:45, बहुत थक गया हूँ। आज गाड़ी एक्सीडेंट होने वाली थी, क्योंकि मतलब अचानक से आ गया, दूसरी गाड़ी आ गई, तो मतलब पलटा खाने वाली थी, बच गया आज। एक मिनट के लिए ऐसा लगा कि अभी तो गया, लेकिन गाड़ी संभल गई। और चलो जिस दिन आई होगी उस दिन चले जाएंगे। बाकी फिर निकलता हूँ यहाँ से घर के लिए, फिर मिलता हूँ घर पहुँच कर। तो फाइनली गाइस मैं आ चुका हूँ घर, भी जा रहा हूँ घर, तो पहुँच कर बताता हूँ, मिलता हूँ पहुँच कर। 5 minutes later तो फाइनली गाइस पहुँच चुका हूँ मैं अपने रूम में, देख सकते हैं। तो बहुत थकावट हो गई है, तो अभी सर दर्द कर रहा है बहुत, अभी करता हूँ चेंज वगैरह, फ्रेश होता हूँ, उसके बाद मिलता हूँ आपसे। तो थकावट भी हो गई है, थोड़ा आराम करता हूँ। A few moments later. बर्थडे आज सुबह को। आज सुबह को कौन सा बर्थडे है? केक किस लिए मांग रहे थे? क्योंकि मेरा बर्थडे, डैडी बोल रहे थे आज ही तेरे बर्थडे बनाऊंगा। ठीक, मैंने बोला ठीक है। अच्छा आज कौन सा बर्थडे? झूठ बोलती है। आज कौन सा बर्थडे था? आई कहते है ना, इसका बर्थडे डेली आता है, कर दिया। झूठ बोलती है, इसका डेली बर्थडे आता है, डेली बर्थडे जब आती है तभी। कभी नहीं आया, जनवरी में तभी बर्थडे होता है, फरवरी में बर्थडे होता है, मार्च में भी बर्थडे होता है, 12 महीने में एक बर्थडे होता है तेरा। हैं? नहीं होता, बार बार सबक होता है। सबक का होता है, मम्मी सबक होता है ना। माँ जी से पूछ, उसका बर्थडे होता है? नहीं, डेली थोड़ा होता है, एक दिन होता है। पहले पहले अभी पहले पहले भी नहीं हुआ, अभी अभी भी इन दिनों में भी नहीं हुआ, तो मेरा आज भी बने। अच्छा ठीक है, चॉकलेट लाइए ना। चॉकलेट मैंने फ्रिज में रखी है, अपने फ्रिज में, वो दूंगा। वही काटो, चॉकलेट काटो, चॉकलेट काटो, चॉकलेट काटो, बत्ती दो, बत्ती। पापा नहीं लेकर आए, तुम्हारे अब्बू नहीं लेकर आए? पापा को याद ही नहीं रहा, याद ही रहा। मैं गया था ना उधर शॉप पे, तो शॉप बंद थी ना। सो गाइस मैं और मुंतू यहाँ पे बैठे हैं, हम दोनों यहाँ पे बैठे हैं, थोड़ी हवा चल रही है, तो बैठे हैं रोड के बीच में, घास था यहाँ पे बैठ के। तो अभी टाइम हो चुका है, 8 बज चुके हैं, तो हम यहाँ पे बाहर बैठे हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत ठंडी हवा चल रही है। तो मुंतू से मुंतू से गप्पे शप्पे लग रही है, तो क्या बोल रही है मुंतू? कुछ गप्पे बोल रही हूँ कि मुझे आपके मुझे माफ जाओगे मेरे आगे जो बर्थडे का। पहले बर्थडे बताओ, जब उसकी डेट आई ना तब। जब उसकी किसकी डेट? डेट फेब्रुअरी बोलेगी, हैप्पी बर्थडे। अच्छा आप बोल रहे थे ना हैप्पी बर्थडे, आज केक मांग रहे थे ना? अरे आज नहीं बुद्धू, तू बोल रहा कल है। अच्छा कल है, जब डेट आएगी तब है ना। अच्छा जब डेट आएगी तब है। ओके गुड, तो क्या सुनाओगे आज? आज हम आपको सुनाएंगे चिमिंग। चलो ऊपर रात में सुनेंगे, अभी नहीं सुनते। ठीक है मिलते हैं अंदर जाकर। अभी का ये व्यू देख सकते हैं, यहाँ पे देखना बहुत अंधेरा 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 तो हो गया है, यहाँ पे लाइट चल रही है, तो यहाँ पे भी इतना अंधेरा नहीं लग रहा। तो यहाँ पे पीछे घर है, तो हम यहाँ पे रोड के बीच में बैठे हैं, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा घास वगैरह था, तो यहाँ पे बैठ के। तो अभी चलते हैं अंदर, वो ठंडी हवा चल रही है। अगली वीडियो में मिलते हैं। हाँ अगली वीडियो में मिलते हैं अंदर जाकर। ठीक है बने रहिए वीडियो। सो गाइस टाइम बहुत हो चुका है, और करते हैं आज का ब्लॉग एंड। तो आज के ब्लॉग में इतना ही, मुझे उम्मीद है आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा।
तो कमेंट करके जरूर बताएं कैसा लगा। मिलते हैं एक न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।